हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे 21 जुलाई 2021 के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम रिलेवेंट होंगे, तो आप वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको एक करेंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो कमेंट सेक्शन में जाए और PDF को डाउनलोड करके रिवीजन कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष फिर से किन्हें बनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष आचरण आयोग के अध्यक्ष फिर से किन्हें बनाया गया है, तो ये देखिए आप बान की मून साहब को। ठीक है, बान की मून साहब को फिर से बनाया गया, यानी कि ये पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और अब फिर से इन्हें बनाया गया है आचरण आयोग के अध्यक्ष। देखिए ये 2017 को आचरण आयोग के अध्यक्ष बने थे और चार साल के अपने कार्यकाल को खत्म करके ये 2021 में इनका खत्म होने वाला था, लेकिन फिर से इन्हें बना दिया गया है 4 साल के लिए। अब ये फिर से 4 साल के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। इनका एज अभी 77 ईयर्स है। ठीक है, 77 ईयर्स, 77 साल के हैं। वहीं पर आप देखिए ये जो गाय राइडर है, ठीक है, गाय राइडर ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। गाय राइडर कौन है? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, आपको इतना याद रखना है। वहीं जुर्गेन स्टॉक, ठीक है, जुर्गेन स्टॉक जो है वो इंटरपोल, आपने सुना होगा इंटरपोल के अध्यक्ष जो हैं अभी कौन है? जुर्गेन स्टॉक। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरपोल में कितने सदस्य हैं, वो सब अगर आपको जानना है तो मैं ऐसा वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नरेंद्र बत्रा जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अभी कौन है? नरेंद्र बत्रा। ओलंपिक जो टोक्यो में होने वाली है वो होने वाली है 23 जुलाई 2021 से, और भारत के कितने एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो 127, हमने कल के वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया था, 127। और ओलंपिक समिति के साथ जो मीडिया ग्रुप जा रहा है तो उसका प्रेस अताशे कौन बने हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, आपको ये बात बहुत पहले ही मैंने बता दिया है कि जो देश का पहला हो या फिर कोई विश्व का पहला हो वो एग्जाम रिलेवेंट जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के 110% चांसेस हो जाते हैं। तो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है मथुरा में ये स्थापित किया जाएगा। तो वहीं पटना में फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना है, उत्तराखंड की बात करें तो ये देश का पहला है जहां पर फर्स्ट परागकण पार्क खुला है। फर्स्ट परागकण पार्क, इंडिया का पहला परागकण पार्क कहाँ खुला है? तो आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में गुलमर्ग। ठीक है, ये यहाँ पर देश का पहला इग्लू कैफे कहाँ खुला है? तो देश का पहला इग्लू कैफे गुलमर्ग में खुला है। तो जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो पहला होता है एग्जाम रिलेवेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अभी देखिए रूसी नौसेना दिवस होने वाला है, तो रूसी नौसेना दिवस में भारत की ओर से कौन भाग लेने वाले हैं? तो रूसी नौसेना दिवस में भारत की ओर से भाग लेने वाले हैं हमारे एडमिरल करमवीर सिंह, यानी कि भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह, और ये भाग लेने वाले हैं रूसी नौसेना दिवस में। वहीं पर बात करते हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये कौन है? तो ये है थल सेना अध्यक्ष। कौन है? इंडियन आर्मी के अध्यक्ष कौन है? तो हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। बिपिन रावत कौन है? तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो बिपिन रावत। आर के एस भदौरिया कौन है? तो ये जो है एयर चीफ है, ठीक है, एयरफोर्स का चीफ है ये RKS भदौरिया। अब आगे देखते हैं कि पेरू का राष्ट्रपति किन्हें निर्वाचित किया गया है? पेरू का राष्ट्रपति अभी किन्हें निर्वाचित किया गया है? तो आपको बताना है पेड्रो कैस्टिलो साहब, ठीक है, पेड्रो कैस्टिलो को पेरू का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया।
गया है। वहीं से आपको ये याद रखना है कि जो जॉन लापोर्टा है, ठीक है, जॉन लापोर्टा ये बार्सिलोना के प्रेसिडेंट बने हैं। बार्सिलोना के प्रेसिडेंट, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से देश के कौन राष्ट्राध्यक्ष अभी तुरंत बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार्सिलोना के राष्ट्र जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं जॉन लापोर्टा। वहीं पर काजा कलास, ठीक है, काजा कलास जो हैं ये कौन है, जो काजा कलास हैं ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो काजा कलास है। काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, आपको ये याद रखना है एस्टोनिया की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीतने वाली, मिस इंडिया का खिताब कौन जीत ली है, तो ये हैं आपकी बैदेही डोंगरे, ठीक है, ये आपकी बैदेही डोंगरे है और ये 25 साल की है और मिशिगन की है। अमेरिका के में आपने सुना होगा पांच झीलों के बारे में, ठीक है, तो वहाँ मिशिगन एक जगह है, ठीक है, मिशिगन की ये 25 साल की बैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीती हैं। और दूसरे स्थान पर कौन रही, तो दूसरे स्थान पर जॉर्जिया की अर्सी लालानी रही, जॉर्जिया की अर्सी लालानी दूसरे स्थान पर रही हैं, ठीक है, और पहला स्थान किसने, मतलब किसने जीता, बैदेही डोंगरे ने। आप यहाँ पर देख रहे होंगे पद्म लक्ष्मी को, ठीक है, पद्म लक्ष्मी को आप देख रहे होंगे यूएनडीपी का सद्भावना दूत अभी इन्हें बनाया गया है। यूएनडीपी का सद्भावना दूत इन्हें किन्हें बनाया गया, पद्म लक्ष्मी को। वहीं अनीता भाटिया जो हैं, ठीक है, अनीता भाटिया यूएन, ठीक है, यूएन वुमेन की कार्यकारी अध्यक्ष बनी हैं अनीता भाटिया। वहीं जीएस लक्ष्मी जो हैं आईसीसी, ठीक है, आईसीसी का जो क्या बोलते हैं, जो मैच रेफरी वाला पैनल होता है, अंतर्राष्ट्रीय पैनल, आईसीसी का मैच रेफरी का जो अंतर्राष्ट्रीय पैनल होता है उसमें फर्स्ट महिला हैं जो इसमें भाग ली हैं। फर्स्ट वुमेन इस सदस्य में शामिल होने वाली, पैनल में शामिल होने वाली कौन है, तो जीएस लक्ष्मी है, आपको इतना याद रखना है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एडीबी ने भारत के, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के आर्थिक विकास का अनुमान कितना लगाया है चालू वित्त वर्ष में, यानी कि 2020-21 वित्त वर्ष में जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें भारत के आर्थिक विकास का अनुमान एडीबी के द्वारा कितना लगाया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लगाया। पहले इसने 11% बताया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण जो जान और माल की क्षति पहुंची है, जो नुकसान हुआ है, इस कारण से 1% घटाकर कह दिया है कि 10% अनुमान लगाया है कि 10% आर्थिक विकास रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का पांचवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा वाला भंडार वाला देश कौन बन गया है, तो ये 25 जून 2021 को भारत बन गया था 608.99 अरब डॉलर के साथ। दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश भारत बन गया। अगला देखते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक, ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके जो शैक्षिक दस्तावेज होते हैं, जो डिग्रीज होते हैं, जो क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी जारी करते हैं, जो डिग्री होता है, जो एजुकेशनल डिग्रीज होते हैं, उसको ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो है महाराष्ट्र। ये क्यों किया गया है, तो देखिए क्या होता है कि बहुत अगर इस तरह का उपयोग इसीलिए किया गया है कि जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसका सत्यापन, यानी कि उसका जो सत्यापन या फिर उसको पहचान लेना, उसको अटेस्टेड करना या फिर उसको उसके साथ फ्रॉड ना होने देना, है ना, उसके साथ फ्रॉड या फिर जालसाजी से बचने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला देश बन गया है महाराष्ट्र। और अभी इसके राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, और अभी इसके मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, तो आप जानते हैं उद्धव ठाकरे जी। और ये जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाले हैं, ठीक है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा ये तकनीक का उपयोग करने का किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं
कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस बैंक के साथ MOU यानी कि मिनिस्टर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस बैंक के साथ, तो नाबार्ड यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो बैंक होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह जो डेवलप करता है उसका जो बैंक है नाबार्ड, इसके साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक MOU साइन किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, विकास उसके समृद्धि के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नाबार्ड के साथ अभी एक MOU पर साइन किया। अगर बात करते हैं नाबार्ड की तो नाबार्ड के अभी हेड कौन है, नाबार्ड के अभी हेड CEO कौन है, जी आर चिंताला साहब। और इसका स्थापना कब हुआ था, इसका संस्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982, याद रखना है नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। वहीं पर बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे में, और अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CEO और हेड कौन है, ए एस राजीव, आपको याद रखना है AS राजीव। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1935 में इसका स्थापना हुआ था, 16 सितंबर 1935 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी भाषा में RSS नामक पुस्तक किसने लिखी, चीनी भाषा में यानी कि चाइनीज लैंग्वेज में RSS नामक पुस्तक लिखने वाले BJP के एक पॉलिटिशियन है सुधांशु मित्तल, ठीक है, सुधांशु मित्तल हैं, इनके द्वारा लिखा गया है RSS नाम का बुक, ये आप देख रहे हैं सुधांशु मित्तल के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। वहीं पर रस्किन बॉन्ड की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। और कृष्णा सक्सेना का बुक कौन है, तो इसका ये बुक बहुत बड़ा है नाम इसका, लेकिन आपको ये याद रखना है माई जॉयज एंड सोरोज, बस इतना आप याद रखेंगे, कीवर्ड याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कृष्णा सक्सेना की बुक है माई जॉयज एंड सोरोज। वहीं काजल सूरी का बुक है एक हब्बा खातून, काजल सूरी का एक बुक है। तो बुक के सेक्शन में इतना हमने देखा, सबसे पहले सुधांशु मित्तल के द्वारा RSS नामक बुक चाइनीज लैंग्वेज में लिखी गई है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड की बुक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, कृष्णा सक्सेना की बुक है माई जॉयज एंड सोरोज, काजल सूरी का बुक है हब्बा खातून। तो ये रहा आज का हमारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को के कंटेंट को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और एक नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने का आदत डालिए, डेली 10 या 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स अपने कॉपी में लिखिए, डेली करके इसको रिवीजन भी कीजिए। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां से PDF को डाउनलोड करके भी रिवीजन कर सकते हैं। इस तरह से आपका करेंट अफेयर्स क्या होगा, एक बहुत अच्छा करेंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। और आजकल एग्जाम में करेंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम सभी जानते हैं। तो ये आपको लिए था, और अभी आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर SSC GD 2021 को टारगेट करते हुए एक बैच लाया जा रहा है जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, हिंदी, इंग्लिश सारा कुछ कराया जाएगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के बीच हमारे चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आप चैनल को इतना फैला दीजिए कि हमें इतनी मोटिवेशन मिले आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत उम्दा क्वालिटी का कंटेंट लाने के लिए। आपके लिए हम मेहनत करते हैं, आपसे केवल सपोर्ट चाहते हैं, आपका एक सपोर्ट, आपका एक शेयर, एक लाइक और सब्सक्राइब करना हमें इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए बहुत मेहनत करके कंटेंट लाने के लिए हम वचनबद्ध हो जाते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए।